दिल्ली के देपालपुर नगर का प्रतिष्ठित इंग्लिश सहोदय कॉन्वेंट स्कूल के 17वें वार्षिक उत्सव में क्रिकेट के हिंदी कमेंट्री सुशील दोषी पहुंचे। इस दौरान स्कूल के आयोजन में कई तरह के सांस्कृतिक व देशभक्ति से ओतप्रोत आयोजन हुए। देपालपुर में सहोदय कॉन्वेंट स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी वार्षिक उत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जहां स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़ कर रंगारंग प्रस्तुति, छोटे बच्चों के द्वारा व देशभक्ति पर आधारित एवं आकर्षक देशभक्ति गीत नृत्य की प्रस्तुति दी गई। देपालपुर के पास इंदौर रोड पर सहोदय कॉन्वेंट स्कूल में 17वें वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि क्रिकेट की दुनिया के हिंदी कमेंट्री सुशील दोषी ने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि बच्चों को अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। यह मत सोचो कि हम गांव में रहते हैं, शहर हो या गांव, हर जगह हमें पूरी मेहनत व लगन से अपने लक्ष्य को ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपनी मंजिल पा सके। इसमें पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की इच्छा कौन सी चीज़ पर है, उसी पर उसे तैयारियां करानी चाहिए, ताकि बच्चों का उनके करियर पर ज़्यादा आसानी हो सके। क्रिकेट की दुनिया के कमेंटेटर दोषी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के होने के बाद भी इतनी कम कीमत पर बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। इस मौके पर श्रीमती मंदा मताई द्वारा अतिथियों का पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। आज सहोदय कॉन्वेंट में हमारे विद्यालय का 17वां वार्षिकोत्सव हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे विद्यालय के नन्हे नन्हे छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी हैं, जिसमें गुजरात, हरियाणा, बांग्लादेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश सभी की प्रस्तुतियाँ दी हैं, और उनके नैतिक मूल्यों का हमने उनको नैतिक मूल्यों से अवगत करवाया है, और हमारे आने वाले नव वर्ष के लिए सभी छात्र छात्राओं को और सभी पेरेंट्स को नव वर्ष की शुभकामनाएं। देपालपुर से दीपक सेन की रिपोर्ट।